यूपी की बेटी ने रचा इतिहास। आदित्य यादव के दम पर भारत ने बैडमिंटन में पहली बार जीता गोल्ड मेडल। सीएम ने दी बधाई। चाचा शिवपाल यादव को लेकर बीजेपी नेता अर्पणा यादव बोली, वो पार्टी में आना चाहें तो स्वागत है। अखिलेश यादव का तंज, बोले धर्म और जाति देश पर चल रहा बुलडोजर, भाजपा के गलत कामों पर सपा की नजर। दिल्ली में बुलडोजर पॉलिटिक्स पर आपका पलटवार, कहा एमसीडी से जाते जाते 60 लाख लोगों को बेघर करना चाहती है भाजपा। यूपी सरकार के मंत्री ने दलित कार्यकर्ता के घर जमीन पर बैठकर पत्तल में किया भोजन, दिया एकता का संदेश। यूपी में 24 घंटे में मिले 361 कोरोना संक्रमित, 59 जिलों में 1742 पहुंची रोगियों की संख्या। बंगाल में अमित शाह का बड़ा ऐलान, कोरोना खत्म होने के बाद लागू करेंगे नागरिकता कानून, दीदी पर बोला हमला। बिहार में राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव का ऐलान, किंग महेंद्र के निधन से खाली हुई थी सीट। ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान से मिलने का मांगा समय, तमाम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने वाराणसी में किया औचक निरीक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं की जानी हकीकत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।